हेलो okay. बच्चों नमस्कार गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का रोजगार वेदन के चैनल पर तो क्या हाल है सभी के एक बार जुड़ेंगे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो आपकी क्लास है वो मैथमेटिक्स की है बच्चे रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका और कल ही मैंने आपको और राहुल सर ने भी अपनी क्लास में आपको बताया था कि बारह बजे आज आपकी मैथ्स की क्लास होगी सिलेबस थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसे कंप्लीट करने के लिए और कुछ छुटे ना इस वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया ताकि आपको यह ना लगे कि यार परमवीर बैच चला तो लेकिन लास्ट में आते आते वो छुट छोड़ दी उन्होंने कुछ चीजें ऐसा नहीं है एक एक चीज आपको मैं कराऊंगा और वो जो चीज चिराग बैच लेट भी आता तब कराता वही चीज मैं अब भी कराऊंगा टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा वो तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जैसे आज बारह बजे से क्लास है तो आज बोट एंड स्ट्रीम जो मैं एक एक घंटे की या पचास पचास मिनट की क्लास दो तीन क्लास में टाइम बोट एंड स्ट्रीम कराता वो आज डेढ़ दो ढाई घंटे में आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे है ना तो बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी अठारह बीस सवाल हैं ज्यादा नहीं है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है दो तीन टाइप के इसमें सवाल हैं और टाइप भी कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको एक चीज क्लियर है ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय और सापेक्ष चाल आपको क्लियर है तो सारी चीजें क्लियर हैं आपको फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम जैसे आपने रेलगाड़ी चैप्टर देखा आप जानते थे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फिर दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है आपको रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट कुछ नया लगा ही नहीं सारे आपको लगा यार ये, ये तो पढ़ा हुआ है हमारा तो बोट एंड स्ट्रीम भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे और आज 18-20 सवाल मैं लेकर आया हूं वो सारे के सारे आज हम कंप्लीट करके और बोट एंड स्ट्रीम से जयराम जी की कर लेंगे ठीक है चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम और एक ही क्लास में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा कल आपकी जो क्लास होगी मैं सोच रहा हूं कल से शुरुआत करें हम मेंसुरेशन की है ना जो आ, मेंसुरेशन है मैं तो कल अगर हम बारह बजे से दो तीन बजे तक तीन तीन घंटे की क्लास लगा अगर कंप्लीट भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है है ना कल मैं स्टार्ट कर दूं चलो तो अब भी सोचेंगे बाद में मेंसुरेशन से आते हैं भाई एक दो क्वेश्चन तो आ, दो तीन घंटे में आपकी क्या हो जाएगी तो टू डी हो जाएगी तीन चार तीन साढ़े तीन घंटे में और एक डेढ़ घंटे में आपकी थ्री हो जाएगी चलो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं सभी लोग जुड़ चुके हैं चैप्टर का नाम है नाव धारा या फिर जिसको बोलते हैं बोट 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 एंड एंड स्ट्रीम स्ट्रीम को बोलते हैं नाव और स्ट्रीम को बोलते हैं धारा अब नाव क्या है धारा क्या है कभी बैठे हो नाव में कौन कौन बैठा है मुझे एक बार अप करके बताओ नाव में कौन कौन बैठा है इसने नाव ऐसे बहुत सारे होंगे जो नाव में बैठे ही नहीं होंगे या हवाई जहाज में बैठने वाले हो सारे है ना तो नाव में अगर आप बैठे और नहीं भी बैठे हैं ना तो थोड़ा सा फील कर लो यार कि मान लो ये पानी है ठीक है भाई ये पानी है अब पानी का जो बहाव है ना वो इधर की तरफ है इधर की तरफ पानी का बहाव है इधर की तरफ पानी का बहाव अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है नाव का नाव का कॉन्सेप्ट आता है यहां पर ये रही नाव ये रही नाव ठीक है ये नाव है बच्चे इसको बोलते हैं नाव को मैं इंग्लिश में बोलूंगा बी और धारा को स्ट्रीम को बोलूंगा मैं एस या फिर डब्लू बोल दो वाटर जो भी है बी और डब्लू यानी कि बोट को बोलेंगे बी और स्ट्रीम यानी कि धारा यानी कि पानी को बोलेंगे डब्लू अब सुनना अरे वो तो चलाई होगी सबने जो बारिश पड़ती थी बारिश में छोटे से थे कागज की नाव बनाते थे उसमें से ये मेरी नाव है ये मेरी नाव है वो तो सबने चलाई है उसके लिए तो कोई मना ही नहीं कर सकता है ना कागज की नाव पानी में सबने चलाई है कागज की नाव एक बुक का नाम भी है शायद आप में से कोई नहीं जानता होगा उसका ऑथर कौन है गूगल पे सर्च करके बता दो तो बात अलग है मुझे वाणी किसको याद ही नहीं होगी कागज की नाव तो यहां पर ये नाव है बच्चे इसके दो कंडीशन बनती है दो कंडीशन बनती है अः एक कंडीशन और बना देता हूं मैं यहां पर अच्छा चलो यहां पर एक कंडीशन और बना देता हूं मैं यहां पर ठीक है दस मिनट का कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट आराम से समझेंगे और फिर सवाल को स्पीड से करेंगे कॉन्सेप्ट हमेशा आराम से समझना चाहिए एक कंडीशन ये रही एक कंडीशन रही इस बार भी पानी का भाव इधर की तरफ ही है ठीक है अब कंडीशन क्या बनती है नाव की गति किस तरफ है बच्चे नाव की गति किस तरफ है मैंने कहा एक तरफ ना एक बार नाव की गति इस तरफ है जिधर पानी है जिधर डब्लू है उधर ही बोट है जिधर डब्लू है उधर ही बोट है और जो दूसरी कंडीशन है जो दूसरी कंडीशन है भाई पानी तो इधर की तरफ जा रहा है और दूसरी कंडीशन है नाव इसके विपरीत तैर रही है पानी के विपरीत नाव तैर रही है ये दोनों कंडीशंस को नाम दे देता हूं मैं कि दोनों कंडीशंस के क्या क्या दोनों कंडीशंस को पड़ेंगे। पैरल पढ़ेंगे पैरल पढ़ेंगे अच्छे समझ में आ जाती है पहली कंडीशन का जो नाम है, नाम है बच्चे जो इस वाली कंडीशन का नाम अगर मैं दूं तो इसको बोला जाता है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह बहुत सारे नाम है बहुत सारे नाम है इसको हिंदी में अनुकूल धारा के अनुकूल भी बोला जाता है धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल भी बोला जाता है धारा के साथ भी बोला जाता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और डाउन स्ट्रीम को डी शॉर्ट में हम लिख लेते हैं ठीक है डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं अब इसका जो नाम है इसका है प्रवाह भाई देख लेना ऊर्ध प्रवाह कैसे लिखते हैं ऊर्ध प्रवाह भी बोला जाता है इसको धारा के प्रतिकूल भी बोला जाता है धारा के प्रतिकूल भी बोला जाता है और इसको इंग्लिश में अपस्ट्रीम बोला जाता है अपस्ट्रीम यू इसको बोल देते हैं ठीक है ये दोनों कंडीशन हैं जो आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में दोनों कंडीशन एक साथ पढ़ेंगे कंडीशन अनुप्रवाह यानी कि जब और धारा के आप खुद सोचो भाई आप नहर में गांव से बिलोंग करते होंगे मैक्सिमम लोग नहर में नहाए हो आप नदी में नहाए हो आप लोग तो आप देखते हो जिधर नदी बह रही है अगर आप उधर ही तैरने लगो तो क्या आपकी स्पीड तेज होगी और थोड़ा सा फील करो अगर आप धारा के विपरीत तैर रहे हो क्या आपकी गति ज्यादा होगी या कम होगी खुद सोचो इसको आप सापेक्ष गति से मत जोड़ना कि दो ट्रेन एक ही तरफ दौड़ रही हैं तो सापेक्ष गति घट जाएगी नहीं यहां पर थोड़ा सा फील करके सोचो कि अगर अगर आप धारा के साथ नाव को चला रहे हो जिधर पानी जा रहा है उधर ही आप नाव चलाओगे तो भैया गति तो बढ़ेगी बात क्लियर हुई जिधर धारा है जिधर पानी बह रहा है अगर आप उधर ही नाव को चलाते हो तो हमेशा हमेशा क्या होता है स्पीड बढ़ती है हमेशा स्पीड बढ़ती है तो यहां पर यहां पर अगर मैं बात करूं चाल की तो अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल कितना हो जाएगा B प्लस डब्ल्यू दोनों की चाल जुड़ जाती है डाउन स्ट्रीम में याद रखना बच्चे डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुकूल यानी कि अनुप्रवाह में नाव और धारा की जो चाल है वो जुड़ जाती है क्यों क्योंकि दोनों दोनों चीज एक ही तरफ चल रही है ना दोनों चीज एक ही तरफ चल रही है अब देखते हैं अपस्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा फील करो अगर नाव इधर की तरफ चल रही है और पानी दूसरी तरफ जा रहा है तो गति तो हमेशा कम होगी है ना स्पीड तो हमेशा कम होगी तो अपस्ट्रीम में क्या होता है अपस्ट्रीम में बच्चे जो चाल होती है वो बी माइनस होती है क्या होती है वो होती है बी माइनस यानी कि अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम यानी के उर्ध यानी के प्रवाह यानी प्रतिकूल में जो हमारी चाल होगी वो क्या होगी B- माइनस डब्ल्यू स्ट्रीम में हो जाएगी ये दोनों कॉन्सेप्ट है नावधारा के और बात खत्म है यहीं पर सवाल बचेंगे बस फॉर्मेलिटीज बचेंगी और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सारे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ चुके हो भाई सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो आप इसमें एक दो चीज मैं और लिखवा दूं आपको एक दो बात और लिखवा दू मैं आपको स्टार बनाकर की पॉइंट लिखेंगे के शांत जल में क्या है शांत जल में शांत जल में जो नाव की गति है जो नाव की गति होगी नाव की जो चाल है शांत जल में जो नाव की चाल है ना वो हमेशा बी होगी क्योंकि भाई शांत जल है पानी रुका हुआ है तो पानी रुका हुआ है तो पानी की स्पीड क्या है पानी की स्पीड जीरो है और जब पानी की स्पीड जीरो है जैसे आपने तालाब देखे होंगे जहां पर पानी रुका रहता है वहां पर अगर आप नाव को चलाते हो किसी भी डायरेक्शन में चला लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पानी रुका हुआ है भाई आप इधर चलाओ तो भी आप अपनी स्पीड से जाओगे आप इधर चलाओ तो भी आप अपनी स्पीड से जाओगे तो रुके हुए पानी में जो भी गति होगी वो नाव की ही होगी ये बात याद रखना कि शांत शांत जल सांत जल मतलब होता है रुका हुआ पानी तो शांत जल में नाव की जो स्पीड है वो क्या है जितनी उसकी खुद की स्पीड है वो शांत सवाल पूछेगा आपसे कि शांत जल में नाव की स्पीड क्या है तो शांत जल में जो नाव की स्पीड होगी बच्चे वो ही होगी ठीक है और एक दो चीज तो आप ना बहुत सारे कई दिनों से सीखते आ रहे हो कि दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय दूसरी बात आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी बटे समय तीसरी बात इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मुझे समय का मान चाहिए तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल है ना किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो तीनों चीजों को कि यहां पर दूरी बराबर चाल गुणा समय चाल को लेना है तो समय इसके नीचे आ जाएगा समय को चाहिए तो चाल इसके नीचे आ जाएगा तो तीनों पॉइंट्स को आप किसी भी तरह लिख सकते हो ये कुछ की पॉइंट है और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ठीक है ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुष खिलारे पिलारे को इसको हटाओ यहां से भगाओ जो भी नाम है इसका हाँ ऊपर हम्म चलो ठीक है भाई तो यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर पानी के साथ नाव चल रही है तो जो इसकी चाल होगी रिलेटिव स्पीड वो दोनों की जुड़ जाएगी नाव और पानी दोनों की जुड़ जाएगी और यहां पर अगर मैं बात करूं प्रतिकूल अपस्ट्रीम की मैं बात करूं तो अगर धारा के अपोजिट नाव दौड़ रही है

एक घंटे में चली गई दूरी क्या होता है भाई एक घंटे में चली गई दूरी मान लो आप एक घंटे में 20 किलोमीटर चलते हो तो आपकी जो स्पीड है ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है मान लो आप एक घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ते हो तो जो आपकी स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे आप एक घंटे में दो किलोमीटर चल पाए तो आपकी जो स्पीड है ना वो दो किलोमीटर प्रति घंटे है अगर चाल है मीटर पर सेकेंड में अगर मीटर पर सेकंड में है तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में एक सेकंड में चली गई दूरी ये किलोमीटर में है और एक सेकंड में चली गई दूरी चली गई दूरी और दूरी किस में मीटर में तो एक सेकंड में चली गई दूरी ही आपकी स्पीड हो जाएगी एक सेकंड में चली गई दूरी ही आपकी स्पीड हो जाएगी सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको दू मैं, मैंने कहा कि आप 10 मिनट में आप 10 मिनट में ना आप पांच किलोमीटर चलते हो पांच किलोमीटर बाइक को चलाते हो दस मिनट में मेरा आपसे सवाल है आपकी बाइक की स्पीड कितनी है आपकी बाइक दस मिनट में पांच किलोमीटर चलती है तो आपकी बाइक की गति कितनी है सवाल मैं करा चुका हूं जस्ट रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये बोट एंड स्ट्रीम में सवाल बनेंगे इस तरह के इस तरह के फोटो पे डेट डाल दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है बताएंगे जल्दी से यहां पर के दस मिनट में आप पांच किलोमीटर चलते हो मैंने आपको बताया कि किलोमीटर अगर है तो एक घंटे में चली गई दूरी आपकी गति होगी और गति ही तो पूछ रहा हूं मैं आपको गति ही तो पूछ रहा हूं दस मिनट में अगर पांच किलोमीटर है तो बच्चे एक मिनट में कितनी है एक मिनट में सर पांच बटे दस किलोमीटर है और मुझे तो एक घंटे में दूरी चाहिए और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई साठ मिनट तो कितना होगा पांच बटे दस गुणा साठ आप कहेंगे सर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे उस बाइक की गति हो जाएगी उस बाइक की स्पीड हो जाएगी बात क्लियर है ओके एक और बता दो तो फिर मैंने कहा साढ़े सात मिनट में साढ़े सात मिनट में ना तीस किलोमीटर चलती है आपकी गाड़ी साढ़े सात मिनट में तीस किलोमीटर चल जाएगी आपकी गाड़ी स्पीड से दौड़ रही है भाई रेसिंग कार होगी कोई चल जाएगी तो साढ़े सात मिनट में तीस किलोमीटर अगर कोई गाड़ी चलती है तो उसकी गति बता दो मीटर पर सेकंड में उसकी जो गति है वो बता दो मीटर पर सेकंड में क्या सॉरी किलोमीटर प्रति घंटे में किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति बताओ मैंने कहा अगर मुझे दूरी किलोमीटर में दी हुई है तो एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या होगी उसकी स्पीड होगी तो यहां पर दो सत्य चौदह और एक पंद्रह मिनट में पंद्रह बटे दो मिनट में बच्चा उसने कितनी दूरी चली है तीस किलोमीटर की आप मुझे बता दो एक मिनट में कितनी दूरी चलेगा तीस गुणा दो बटे पंद्रह तो भाई साठ मिनट में कितनी चलेगा साठ मिनट में आप कहेंगे तीस गुणा दो बटे पंद्रह और गुणा साठ तो पंद्रह चौके साठ चार दूनी आठ छिंग अड़तालीस कितना आ जाएगा है सॉरी पंद्रह 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 चौबीस दो सौ चालीस किलोमीटर दो सौ चालीस किलोमीटर प्रति घंटे क्या स्पीड आएगी दो सौ चालीस किलोमीटर प्रति घंटे साठ मिनट साठ मिनट का मतलब एक घंटे होता है और एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या होगी उसकी चाल उसकी स्पीड होगी ये बात आप सीख चुके हो अब आप तैयार हो पीडीएफ को सॉल्व करने के लिए उससे पहले आपको मैं बता दूं भाई कि पर चिराग बैच बहुत धमाकेदार तरीके से चल रहा है बच्चे डिस्काउंट है जब तक की क्लासेस शुरू नहीं होती है आप अगर सोचने में लग जाओगे अगर आपको लेना है अगर आपको लेना है और आप सोच रहे हो लूंग के ना लो क्लासेस शुरू हो जाएंगे दो घंटे दो महीने से भी कम का समय है सोचने में ही रह जाओगे पांच सात सौ रुपए के चक्कर में और यहां पर सात सौ निन्यानवे का है आप अगर बीस परसेंट डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो छह सौ चालीस का बैच मिल जाएगा और ये वाला कोड लगाकर कोई भी चीज पूछनी है हमारी कॉलिंग टीम का नंबर आपको दिया गया है वहां से पूछ सकते हो रही बात टाइम टेबल की आपके सामने टाइम टेबल है ये रहा और ये सभी के पास होगा कि कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे मैथ्स आपका दो बार चलेगा एक चलेगा सुबह सात बजे से जो कि मैं ही आपको कराऊंगा सुबह सात बजे से है ना सुबह सात बजे से मैं आपको कराऊंगा और शाम को अंकित सर ऑलमोस्ट एक साल बाद वो पढ़ाने आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट हाँ एक साल के लगभग उनको हो गया है तो शाम को सात बजे अंकित सर आधे चैप्टर अंकित सर कराएंगे और आधे चैप्टर मैं आपको कराऊंगा ठीक है तो मैथ्स इसी तरह कंप्लीट हो पाएगा भाई एक टीचर से पॉसिबल नहीं है दो डेढ़ महीने में सिलेबस कंप्लीट कराना ठीक है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको उसके लिए लगाना पड़ेगा और बाकी सारे टाइम टेबल आपको दिया हुआ सुब है सुबह करंट अफेयर फिर रीजनिंग रीजनिंग आपको राहुल सर और संदीप सर दोनों करेंगे जो आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़ लेना ठीक है और फिर नवीन सर हिस्ट्री लेकर आएंगे पॉलिटिक्स साइंस इकोनॉमिक्स हिंदी और इंग्लिश ठीक है सारे बेस्ट टीचर्स हैं आप जानते हैं ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ यहां पर सवाल के पास आएंगे और एक बार आराम से पढ़ेंगे सवाल को बहुत आसान मैं कर रहा हूं बहुत आसान आसान सवाल अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो सवाल कुछ भी नहीं है एक टाइप का सवाल बनता है अच्छे लेवल का इसमें नावधारा में उसका भी मैं आपको तोड़ बता दूंगा क्या आपको करना है और जिन लोगों ने परमवीर बैच ढंग से किया है ना और उनको लग रहा है सर हमने तो परमवीर बैच पहली क्लास से और लास्ट क्लास तक किया है एक एक क्लास आपकी ली है लाइव नोट्स बनाए हैं क्या अब भी हमें चिराग की जरूरत है तो बच्चे मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने प्रॉपर परमवीर बैच लिया ना एक सिंगल क्लास भी नहीं छोड़ी है, तो कोई जरूरत नहीं है आप अपना रिविजन करो चिराग बैच जरूरत अगर आपको लगता है कि मुझे और ज्यादा क्वेश्चन नए नए सवाल चाहिए और ज्यादा चीजें मुझे ये तो परमवीर बैच तो पढ़ लिया और देखता हूं कि और कुछ मिल जाए तो आप ले सकते हो वरना अगर आप कहोगे सर जी क्या बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं कहूंगा कोई जरूरत नहीं है आपने परमवीर बैच में इतनी मेहनत कर ली तीन महीने तो आप आराम से अब रिवीजन करो अपना एक नाव पांच घंटे में धारा के प्रतिकूल पंद्रह किलोमीटर और छह घंटे में धारा के अनुकूल बयालीस किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी तो सबसे पहले आप देखो वहां पर नाव धारा के प्रतिकूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रतिकूल का मतलब क्या है भाई प्रतिकूल का मतलब क्या है यानी कि धारा के अपोजिट प्रतिकूल का मतलब क्या है मैं हर बार आपको पानी और नाव बनाकर नहीं दिखाऊंगा और ना ही आपको ऐसा करना है वो तो आपको सिखाने के लिए बताया था अगर प्रतिकूल आए तो यानी अपस्ट्रीम की बात करेगा B- माइनस डब्लू प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं पानी और न, पानी और क्या नाव तो प्रतिकूल यानी कि बी माइनस की उसने बात करी है बी माइनस की बात करी है और प्रतिकूल उसने पंद्रह किलोमीटर की दूरी है जो पांच घंटे में तय की है तो भाई चाल बराबर क्या होता है लिखवाया था थोड़ी देर पहले चाल बराबर होता है दूरी बटे समय यानी कि पंद्रह किलोमीटर की दूरी है और पांच घंटे में तो भैया समय इसकी चाल कितनी आ जाएगी तीन किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि यहां से आप कह सकते हो कि वो जो नाव है ना वो प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो उस नाव की जो गति है वो है तीन किलोमीटर प्रति घंटे ओके आगे उसने कहा कि छह घंटे में धारा के अनुकूल अनुकूल का मतलब है धारा के साथ यानी के डाउन स्ट्रीम यानी के वो धारा के साथ कहोगे आप B प्लस डब्लू और B प्लस डब्लू दूरी कितनी है 42 किलोमीटर की और बच्चे घंटे कितने हैं छह तो वहां पर सात किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार आ जाएगी सात किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार है अब आपको B प्लस डब्लू दिया हुआ है और B माइनस डब्लू दिया हुआ है अब यहां पर एक चीज मैंने आपको सिखाई हुई है नंबर सिस्टम में सिखाई थी ये चीज मैंने आपको कि अगर आपको ये दोनों हो B प्लस डब्लू और B माइनस डब्लू सिखाया था ना कि अगर A प्लस बी बराबर मान लो पांच है और A माइनस मान लो अगर तीन है तो ए का मान अगर मुझे निकालना है ना प्लस प्लस वाली संख्या का इस ए का तो दोनों को जोड़ो पांच प्लस तीन और बटे दो कर दो और अगर मुझे बी का मान निकालना है यानी कि उस वाली संख्या का जिसके साथ प्लस और माइनस दोनों जुड़े हो जिसके साथ प्लस और माइनस दोनों जुड़े हो तो दोनों को घटाओ बी बराबर होगा पांच माइनस तीन और बटे दो कर दो ऐसे करना होता है सेम चीज यहां पर देखो आप कि अगर आपको क्या करना है धारा की गति निकालनी है नाव की नहीं धारा की गति निकालनी है तो धारा यानी कि डब्लू तो माइनस और प्लस का साइन वाली संख्या निकालनी है आपको तो डब्लू का मान क्या होगा सात में से तीन घटाओ और बटे दो कर दो माइनस प्लस वाली की अगर मान निकालना है तो बड़े में से छोटा घटाकर बटे दो कर दो आप कहेंगे चार बटे दो यानी कि दो किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही अगर मैं आपसे पूछूं कि नाव की चाल कितनी है जल्दी से बताओ नाव की चाल कितनी है आप क्या इसका उत्तर देंगे जल्दी से मुझे बताएंगे बच्चे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नाव की चाल कितनी है यानी कि प्लस प्लस वाला मान निकालना है तो सात और तीन को जोड़कर और बटे दो कर दो आपका आंसर आ जाएगा दस बटे दो यानी कि पांच किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा पांच किलोमीटर प्रति घंटे ये नाव की स्पीड है अगला सवाल अब इसका आंसर आप मुझे बता दोगे अब इसका आंसर मुझे आप ही लोगों से चाहिए खुद ट्राई करोगे तो ही कुछ हो पाएगा अगर आप सोचो कि बैठा बैठा देखता रहूं कैसे गुरु जी कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी फिर नोटिफिकेशन की जरूरत क्या थी जब मैंने कल आपको बताया था कि 12 बजे क्लास चलेगी चलो धारा की दिशा धारा की दिशा होती है बी प्लस डब्ल्यू धारा की दिशा में एक मोटरबोट दो घंटे में चौबीस किलोमीटर और धारा के विपरीत b माइनस डब्ल्यू एक घंटे में 10 किलोमीटर जाती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में मोटर बोट की चाल बतानी है मोटर बोट की चाल आपको बतानी है तो भाई आप मुझे बताओ धारा की दिशा धारा की दिशा क्या होती है सर धारा की दिशा होती है B प्लस डब्लू क्या होती है जिसमें नाव जो है वो पानी के साथ साथ दौड़ती है ये समझो तो धारा की दिशा में दूरी कितनी चली है 24 और समय कितना लगा दो घंटे तो दूरी बटे समय चाल होता है भाई ये आ जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटे और उसने कहा धारा के विपरीत यानी के B माइनस डब्लू कितनी दूरी चली है 10 और समय कितना लगा है एक तो 10 आ गया यहां वो मोटर बोट की चाल पूछ रहा है यानी कि B का मान पूछ रहा है तो B का मान कितना होगा बच्चे दोनों को जोड़ेंगे 12 प्लस दस और बटे दो कर देंगे भाई कितना आ जाएगा बाईस बटे दो यानी के आपका आंसर आएगा ग्यारह किलोमीटर प्रति घंटे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा ग्यारह किलोमीटर प्रति घंटे कोनो दिक्कत नहीं है कोनो दिक्कत आपको चलेंगे नेक्स्ट वहां सवाल वहां पे चलो अब सवाल का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया लेवल धीरे 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 बढ़ा के हर लेवल का सवाल आज आपको करा दूंगा बैठना पड़ेगा भाई आज आपको दो घंटे कम से कम दो बजे तक कम से कम क्लास चलेगी बुक सॉल्यूशन बच्चे आपके अभी बता देंगे है ना राहुल सर कराएंगे बुक सॉल्यूशन और अभी कंफर्म नहीं है दस तारीख से होगा शायद मुझे कंफर्म नहीं है देखो तो उसने कहा अभी नाव से चार घंटे में अट्ठाइस किलोमीटर उर्ध प्रवाह उर्ध यानी कि अपस्ट्रीम जाता है और दो घंटे में पचास किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि धारा के साथ जाता है तो नाव शांत जल में चवालीस पॉइंट आठ किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी अब जो अभिवाह है ये ये जो अभिवाह है ये चार घंटे में अट्ठाईस किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है तो भाई अपस्ट्रीम का मतलब होता है बी माइनस डब्लू कितना होता है भाई बी माइनस डब्लू होता है आपका अपस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में उसने 28 किलोमीटर की दूरी चली है चार घंटे में तो उसकी जो रफ्तार है कितनी है सात किलोमीटर प्रति घंटे और डाउन स्ट्रीम यानी कि अनुप्रवाह वो दो घंटे में पचास किलोमीटर जाता है तो डाउन स्ट्रीम की जो रफ्तार है वो कितनी है पचास बटे दो यानी कि पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटे वाह अब यहां उसने पूछा कि नाव से शांत जल में फोकस करना इस बात पे मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर बात कहीं शांत जल की आ जाए ना तो वहां पर आपको जो गति चाहिए वो केवल नाव की चाहिए शांत जल में यानी कि पानी रुका हुआ है पानी रुका हुआ है तो सबसे पहले आपको नाव की गति चाहिए तो बी कितना होगा सात प्लस पच्चीस और बटे दो यानी कि बत्तीस बटे दो तो आप कहेंगे सर नाव की जो स्पीड है वो आ गई सोलह किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड आ गई नाव की अब उसने कहा शांत जल में 44.8 पॉइंट आठ किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो भैया समय बराबर क्या होता है बताया गया है शुरू शुरू में ही समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो दूरी कितनी है 44.8 किलोमीटर की और चाल कितनी है 16 पॉइंट हटेगा जीरो लगा दो 16 धाम 160 और 16 दूनी 32 बत्तीस आठ चार बारह सोलह अठे एक आ गया 28 बटे दस घंटे या फिर आप कह सकते हो 2.8 पॉइंट आवर क्या कह सकते हो बच्चे 2.8 पॉइंट आवर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा सभी का आंसर है थोड़ा सा पहले सबसे पहले दो सवालों में हमने क्या किया हमने चाल निकालना सीखा तीसरे सवाल में हमने चाल के बाद भी समय निकालना सीखा तो लेवल एक मेंटेन करके चल रहा हूं मैं कि धीरे 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 आपके दिमाग में उसी हिसाब से चीजों को सेट किया जाए अब ये सवाल देखो थोड़ा सा और मैं लेवल बढ़ाया मैंने उसने कहा शांत जल में एक नाव की जो गति है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे है बच्चे शांत जल में अगर गति की बात कर रहा है ना तो वो नाव की खुद की गति की ही बात कर रहा है यानी कि वो बी की बात कर रहा है तो शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटे है ओके धारा की गति अलग से दे दी छह किलोमीटर प्रति घंटे और उसने कहा नाव जो है वो धारा के प्रवाह अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा प्रतिकूल की बात कर रहा है अपस्ट्रीम की बात कर रहा है तो वह नाव धारा के प्रवाह में नब्बे किलोमीटर और अनुप्रवाह में समान की दूरी तय करने में कितना समय लेगी देखो तो सवाल में थोड़ा सा और चीजें बढ़ाई तीसरे सवाल में हमने किया कि वो धारा के कि वो मतलब चलो करो इस सवाल का आंसर क्या होगा तुम क्यों हंस रहे हो भाई तुम्हें क्यों हंसी आ रही है देखो तो यहां पर शांत जल में जो नाव की गति दी हुई है ना शांत जल में जो नाव की गति है वो है अट्ठारह किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में नाव की गति दे दी और उसने यहाँ पर धारा की गति भी दे दी W कितना है छ किलोमीटर प्रति घंटे दोनों उसने दे दिया है अब उसने जो पूछा वही हम करेंगे उसने कहा कि नाव जो है वो धारा के विपरीत दिशा में नब्बे किलोमीटर गई है और वापिस आई है तो टोटल समय कितना लगा देखो जब विपरीत दिशा में जाएगी तो दूसरी वाली दिशा में आ जाएगी है ना भाई अगर वो प्रवाह गई है अप्रीम गई है तो आने वाला डाउन स्ट्रीम होगा होगा धारा के साथ होगा, जरूरी सी बात है तो अगर मैं बात करूं ऊर्ध प्रवाह कितना समय लगा भाई दूरी है नब्बे और चाल कितनी हो जाएगी उर्ध प्रवाह b माइनस डब्लू यानी कि अठारह माइनस छे और धारा के साथ जब मैं बात करूंगा तो दूरी बटे चाल चाल कितनी हो जाएगी अठारह प्लस छ ये है धारा के साथ और ये है धारा के विपरीत टोटल समय आप निकाल लो है ना टोटल समय आप निकाल लो कितना होगा नब्बे बटे बारह प्लस नब्बे बटे चौबीस तो कितना होगा आपका होगा छह दुनी बारह और पंद्रह छिक्के नब्बे और कितना होगा छ चौके चौबीस और पंद्रह छिक्के नब्बे यानी कि पंद्रह बटे दो प्लस पंद्रह बटे चार कितना हो जाएगा इस दो को भी चार बना लो दो से ऊपर नीचे गुणा करके तो तीस प्लस पंद्रह और बटे चार आप कहेंगे पैतालीस बटे चार कितना हो जाएगा भाई ये ग्यारह सही एक बटे चार आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है सभी का आंसर आ गया कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें थोड़ी बहुत सवाल को करेंगे इसको एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर 12 मिनट में तय करता है और आरंभिक बिंदु पर 9 मिनट में वापस आ जाता है तो उस आदमी की स्थिर जल में गति क्या होगी आज मैंने रिवाइज भी कराया है ये आपको मैंने बोला है आपको कि अगर गति आपसे पूछने लगे गति से आप क्या समझते हो तो आप कहेंगे सर एक घंटे में चली गई दूरी अगर आपसे पूछने लगे मीटर पर सेकंड में गति क्या होती है तो एक सेकंड में चली गई दूरी मीटर में वही कॉन्सेप्ट गति का है तो यहां पर आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर जाता है और 12 मिनट में 12 मिनट में धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन प्रतिकूल मतलब क्या होता है जिधर पानी जा रहा है ना उसके अपोजिट तो अगर मुझे धारा के प्रतिकूल बच्चा उसकी चाल चाहिए B माइनस डब्लू अगर मुझे चाहिए मुझे पता है कि वो 12 मिनट में बच्चे वो 12 मिनट में कितना जा रहा है 900 मीटर आपको निकालना है वो 60 मिनट में कितना जाएगा 60 मिनट यानी कि एक घंटे में कितने मीटर जाएगा वो आप निकाल लो किलोमीटर तो वो एक हजार से डिवाइड करके निकाल लेंगे आप मुझे बताओ सवाल में दिया है कि 12 मिनट में वो 900 मीटर जाता है तो भाई एक मिनट में कितना जाएगा एक मिनट में जाएगा 900 सौ बटे बारह मीटर और मुझे तो पता करना है बच्चे 60 मिनट में कितना जाएगा तो 900 सो बटे बारह और गुणा साठ आप कहेंगे पैतालीस मीटर जाएगा सर कितना 4500 मीटर और इसको अगर मैं किलोमीटर में देखूं तो भाई एक हजार से डिवाइड कर दूंगा तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार आ जाएगी किसकी B- माइनस डब्लू की है ना क्योंकि आपने तो एक घंटे में उसकी दूरी निकाल ली और एक घंटे में चली गई दूरी ही क्या होती है चाल और एक घंटे में उसने तो 4500 मीटर चली है और एक घंटे में 4500 मीटर यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे सेम चीज आप अनुप्रवाह निकालो वापिस निकालो भाई बी प्लस डब्ल्यू के लिए सेम चीज आप बी प्लस डब्ल्यू के लिए निकालोगे कि उसने नौ मिनट में कितनी दूरी चली है 900 मीटर तो एक मिनट में कितनी चली होगी एक मिनट में 100 मीटर चली होगी तो भाई साठ मिनट में कितनी चली है साठ मिनट क्यों निकाल रहा हूं एक घंटे वो चली है इसने 6000 हजार हजार मीटर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो छह किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार हो जाएगी बी माइनस बी प्लस डब्ल्यू की अब जो आपसे पूछा है आप उसका मान निकाल सकते हो जो भी आपसे पूछा उसने आपसे कहा कि मुझे बताओ स्थिर जल में उसकी गति क्या होगी भाई स्थिर जल में जो गति होती है नाव की ही होती है तो यहां पर बी माइनस डब्ल्यू है बी प्लस डब्ल्यू है बी का मान चाहिए तो बी का मान कितना होगा फोर पॉइंट फाइव प्लस सिक्स और बटे दो यानी कि टेन पॉइंट फाइव बटे दो आपका आंसर आ जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव कितना आ जाएगा फाइव पॉइंट टू फाइव आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है फाइव पॉइंट टू फाइव यानी कि पांच से एक बटे चार क्या आंसर आएगा फाइव पॉइंट टू फाइव बिल्कुल सही जवाब ओके चलो नेक्स्ट बस आपने क्या करना है बच्चे साठ मिनट की दूरी निकाली है दोनों केस में और साठ मिनट यानी कि एक घंटे की दूरी और एक घंटे में जो दूरी चली जाती है वही क्या होती है वही स्पीड वही चाल होती है इस बात को कई कई बार लिखोगे ना तब जाकर ये समझ में आएगी बात सेम सवाल है जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो अब चलिए बताएंगे जल्दी से करेंगे सवाल को आराम से देखो उसने कहा एक नौका है साढ़े सात मिनट में एक किलोमीटर की दर से धारा के अनुकूल B प्लस डब्ल्यू अनुकूल यानी कि धारा के साथ और एक घंटे में पांच किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो शांत जल में नौका की गति क्या है आपको वही निकालना है साठ साठ मिनट में दूरी कितनी है तो आप जानते हैं कि भाई साढ़े सात मिनट यानी के पंद्रह बटे दो मिनट में पंद्रह बटे दो मिनट में वो कितना गई है एक किलोमीटर कितना किलोमीटर तो भाई हम किसका धारा के अनुकूल यानी कि की बात कर रहे हैं धारा के अनुकूल है ना धारा के अनुकूल यानी कि बी प्लस डब्लू की गति हमें चाहिए तो आप मुझे बताओ यहां पर एक मिनट में कितनी दूरी जाएगी एक गुणा दो बटे पंद्रह तो साठ मिनट में कितनी जाएगी साठ मिनट में तो साठ मिनट में आप कहेंगे दो बटे पंद्रह गुणा साठ पंद्रह चौके साठ और चार दुनी आठ किलोमीटर यानी कि आपको समझ में आ गया कि जो धारा के अनुकूल उसकी गति है ना डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आठ किलोमीटर प्रति घंटे है डाउन स्ट्रीम की गति समझ में आ गई साठ मिनट में दूरी निकाल लो वही आपकी चाल आ जाएगी और उसने कहा अपस्ट्रीम अरे वो तो एक घंटे में ही दे रखी है इसका तो कुछ करना ही नहीं है भाई अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम यानी कि B- माइनस डब्लू की अगर मैं बात करूं तो वो एक घंटे में पांच किलोमीटर है तो वो तो सीधा सीधा पांच किलोमीटर प्रति घंटे बोल सकते हो आप क्योंकि ये तो हमें निकालना ही नहीं है ये तो हमें दिया हुआ है एक घंटे में पांच किलोमीटर और हमने तो पता है कि जो चाल होती है वो एक घंटे में चली गई दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में अगर स्पीड दी हुई है मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो एक सेकंड में चली गई दूरी मीटर में ठीक है तो यहां पर दोनों आपको मिल गए उसने शांत जल में नौका की स्पीड बी का मान पूछा है बच्चे दोनों को जोड़ेंगे आठ प्लस पांच और बटे दो आंसर कितना आ जाएगा तेरे बटे दो या फिर आप कह सकते हो छह सही एक बटे दो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब देखेंगे एक बार सवाल को इसे करेंगे सवाल को बच्चा एक बार पढ़ेंगे एटलीस्ट पढ़ेंगे आज नाव धारा के सारे सवाल करा दूंगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है स्थिर जल में जो चाल होती है वो किसकी चाल होती है खुद नाव की होती है बी होता है बी का मान दिया हुआ है और धारा की चाल आपको दी हुई है तो कह रहा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा बी प्लस डब्ल्यू और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत B माइनस कुल समय कितना लगेगा आसान सवाल है बहुत आसान सवाल है आपको दिया हुआ है कि जो बी का मान है वो कितना है भाई उन्नीस किलोमीटर प्रति घंटे और जो डब्लू का मान है वो कितना दिया हुआ है तीन किलोमीटर प्रति घंटे तीन किलोमीटर प्रति घंटे भाई उसने कहा कि भाई वो नाव द्वारा अट्ठासी किलोमीटर धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में 88 किलोमीटर है और गति कितनी है बी प्लस डब्लू क्योंकि धारा की दिशा की बात कर रहा है तो उन्नीस प्लस तीन हो जाएगा यहां पर प्लस धारा के विपरीत कितने किलोमीटर है भाई चौबीस और चाल कितनी हो जाएगी धारा के विपरीत जो चाल होगी भाई वो बी माइनस डब्लू होगी बी माइनस डब्लू तो कितना है उन्नीस माइनस तीन उन्नीस माइनस तीन टोटल समय निकालना है तो कितना हो जाएगा अट्ठासी बटे बाईस प्लस चौबीस बटे सोलह तो बाईस चौके 88 आठ दुनी सोलह आठ तिया चौबीस प्लस वन पॉइंट फाइव कितना आ जाएगा बच्चे फाइव पॉइंट फाइव घंटे कितना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है फाइव पॉइंट फाइव आर चराग बैच में हाँ जी बाइलिंग्वल होगी बिल्कुल बाईलिंगअवल होगी अब ये सवाल थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा जस्ट पढ़ेंगे दो से तीन बार सवाल को पढ़ेंगे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल को दो से तीन बार पढ़ेंगे आप देखो एक बार क्या है सवाल एक व्यक्ति कुल नौ घंटे में टोटल नौ घंटे लग रहे हैं। नौ घंटे में धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर तैर सकता है और वापस लौट कर आ सकता है तो 9 घंटे में 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तैरा और वापस 45 किलोमीटर आया व्यक्ति क्या है 45 किलोमीटर तक तैर गया मतलब नाव में होगा है ना धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर गया और 45 किलोमीटर आ गया टोटल नौ घंटे लगे हैं उसने कहा यदि धारा की जो गति है वो दो सही एक बटे तीन वो कह रहा है कि जो नाव की गति है वो धारा की गति का दो सही एक बटे तीन है धारा तो की गति क्या होगी ये आपने करना है सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि समय बराबर क्या होता है समय बराबर क्या होता है आप कहेंगे सर समय बराबर आपने बताया था दूरी बटे चाल क्या बताया गया है बच्चे समय बराबर बताया गया है दूरी बटे चाल यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा चाल के बारे में उसने कहा है कि जो नाव की गति है वो धारा की गति का दो सही एक बटे तीन गुना है तो तीन दुनी छह और एक सात बटे तीन दो सही एक बटे तीन को मैंने क्या लिखा सात बटे तीन इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर धारा की गति तीन यूनिट है ना अगर धारा की गति तीन यूनिट है तो नाव की गति धारा का दो सही एक बटे थी यानी कि अगर धारा की गति तीन है तो बच्चा नाव की गति क्या हो जाएगी ऊपर वाली संख्या यानी कि नाव की गति हो जाएगी सात आप इसको सात आर और तीन आर भी कह सकते हो ठीक है अब सवाल खत्म यही तक था जो भी सवाल में थोड़ा बहुत दम था अब उसने कहा टोटल नौ घंटे में पैंतालीस किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल तो 45 किलोमीटर में समय कितना लगेगा बच्चे 45 बटे कितना प्रतिकूल cool है तो सात आर माइनस तीन आर और प्लस आने में कितना समय लगेगा आने में लगेगा सात आर और प्लस तीन आर टोटल समय किसके बराबर है नौ घंटे के बराबर है यहां से आर का मान निकाल लेना उसने धारा की गति पूछी है तो तीन आर का मान वहां से आ जाएगा जल्दी से आप मुझे बताएंगे कितना होगा पैतालीस बटे सात में से तीन गया चार आर प्लस पैतालीस बटे दस आर बराबर नौ तो पैतालीस और आर और आर नीचे से कॉमन आ गया बचा क्या एक बटे चार प्लस एक बटे दस बराबर नौ तो पैतालीस बटे आर गुणा दस और चार चौदह भाई दस एकम दस चार एकम चार और बटे चालीस बराबर नौ आर की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं है यहां से कितना होगा पांच नाम पैतालीस और पांच अट्ठे चालीस नौ से जाएगा नौ तो आर का मान कितना आ गया आर का मान आ गया आठ बटे चौदह है ना उधर सॉरी आठ बटे चौदह नहीं चौदह बटे आठ चौदह बटे आठ तो दो चौके आठ दो सत्ते चौदह तो भाई आर का मान आपको मिल गया सात बटे चार आर की वैल्यू क्या मिल गई आर की वैल्यू मिल गई सात बटे चार मुझे तो धारा की गति चाहिए वो तो तीन आर होती है तो भाई तीन आर का मतलब कितना होगा तीन गुणा सात बटे चार यानी कि इक्कीस बटे चार आप कह सकते हो चार पंजे बीस पांच सही एक बटे चार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बिल्कुल सही जवाब ठीक है है ना मैंने क्या बताया मैंने कहा समय बराबर दूरी बटे चाल है उसे टोटल नौ घंटे लगे हैं धारा के प्रतिकूल अपोजिट डायरेक्शन में 45 किलोमीटर जाने में और 45 किलोमीटर ही वापिस आने में और उसने कहा जो नाव की चाल है वो धारा का दो सही एक बटे तीन है इसको लिख सकते हैं सात बटे तीन यानी कि अगर धारा की चाल तीन यूनिट है तो नाव की चाल कितनी है सात मैंने इसको सात आर और तीन आर बोल दिया अब मुझे बताओ 45 किलोमीटर जब वो प्रतिकूल गया जब वो प्रतिकूल गया तो उसे समय कितना लगा आप कहेंगे सर समय होता है दूरी बटे चाल तो दूरी बटे जो चाल होगी भाई वो प्रतिकूल वाली लगेगी विपरीत दिशा वाली लगेगी और विपरीत में तो दोनों घट जाती हैं b माइनस डब्ल्यू घटा दिया और जब वो वापस आया तो दूरी बटे चाल दूरी है पैतालीस चाल दोनों की जुड़ जाएगी सात और तीन बराबर नौ घंटे उसे टोटल लगे हैं यहां से मैंने क्या किया 45 बटे चार आर और 45 बटे दस आर बराबर नो तो 45 को अलभार निकाल लिया और नीचे से आर कॉमन आ जाएगा बचेगा क्या बचेगा एक बटे चार और एक बटे दस बराबर नो इसको सॉल्व किया तो आर का मान मिला मुझे सात बटे चार और मुझसे पूछा गया धारा की गति वो तो तीन आर है तो तीन गुणा सात बटे चार यानी के पांच सही एक बटे चार बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये सवाल करेंगे स्थिर जल में किसी मोटरबोट की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, स्थिर जल में और धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआत बिंदु पर वापस आ जाती है यदि राउंड ट्रिप में राउंड ट्रिप का मतलब होता है भाई टोटल आने में और जाने में आने में और जाने में टोटल उसे सोलह घंटे का समय लगा है ना आने में और जाने में टोटल सोलह घंटे का समय लगा तो उसने पूछा नदी के प्रवाह की चाल यानी कि आपसे डब्लू का मान उसने पूछा डब्लू का मान उसने पूछा आपसे आप देखो सवाल को स्थिर जल में मोटरबोट की जो चाल है ना वो बीस किलोमीटर प्रति घंटे है B का मान कितना दिया हुआ है B का मान दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटे आपको बोट मोटरबोट की चाल दी हुई है उसने कहा धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी गई और वापिस आई 150 किलोमीटर गई और 150 किलोमीटर वापिस आई तो उसे टोटल 16 घंटे लगे हैं राउंड ट्रिप राउंड ट्रिप यानी कि गया और आया टोटल राउंड ट्रिप में 16 घंटे लगे हैं आप मुझे बताओ जब वो धारा की दिशा में 150 किलोमीटर गई तो उसे समय कितना लगा समय क्या होता है समय होता है दूरी बटे चाल डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है दूरी बटे चाल तो जाने में दूरी कितनी है डेढ़ सौ किलोमीटर की और यहां उसे चाल कितनी हो जाएगी जाने में धारा की दिशा बी प्लस डब्लू बी कितना है बीस और डब्लू आपको निकालना है ठीक है तो ये तो लगा जाने में समय और आने में कितना समय लगा भाई डेढ़ सौ किलोमीटर है और आने में जो समय लगेगा वो बी माइनस डब्लू लगेगा क्योंकि भाई ये तो धारा के साथ गई है और जब आएगी तो धारा के अपोजिट आएगी विपरीत आएगी और इन दोनों समय को जोड़कर किसके बराबर दिया हुआ है सोलह घंटे के आपको डब्लू का मान निकालना है भाई डब्लू का मान ऑप्शन से रख लो उसने वही पूछा है ऑप्शन से रखो ऑप्शन से चेक अगर आप करेंगे तो आप देख लो किस डब्लू का मान रखने पर सोलह के बराबर आएगा और मैं कह रहा हूं का मान भी इतने स्मार्ट अप्रोच से आप रख सकते हो इतने स्मार्ट अप्रोच से आप रख सकते हो कि आप देखो डब्लू का मान यहां पर कुछ रखो वो बीस में जुड़ के डेढ़ से कटना चाहिए क्यों डेढ़ से पूरा पूरा कटेगा तभी जाकर यहां पर सोलह एग्जैक्ट यूनिट आएगी और वो W यहां घटाने पर फिर से डेढ़ सौ से पूरा पूरा कटना चाहिए आप देखो अगर आप यहां पर छ रखते हो तो बीस और छब्बीस क्या छब्बीस डेढ़ सौ से कटता है नहीं कटेगा पॉइंटों में संख्या जाएंगी और मुझे एग्जैक्ट सोलह कभी नहीं मिलेगा कभी नहीं मिलेगा मुझे आप चार रखो तो बीस और चार चौबीस डेढ़ सौ से पूरा पूरा नहीं कटेगा बीस और आठ अट्ठाईस डेढ़ सौ से पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन आप जैसे ही पांच रखते हो तो आएगा डेढ़ सौ बटे बीस और पांच पच्चीस प्लस डेढ़ सौ बटे और बीस में से पांच गया पंद्रह तो पच्चीस छिक्के डेढ़ सौ और पंद्रह धाम डेढ़ सो दस और छह मिलकर सोलह आ गया जो कि आपका इसके बराबर हो जाएगा है ना तो इतने स्मार्ट अप्रोच से आप ऑप्शन भी रखोगे तो डब्लू का मान कितना आ गया डब्लू का मान आ गया पांच किलोमीटर प्रति घंटे आ जाइए सवाल पे इस पे पढ़िए आराम से सवाल को भाई जो नाव धारा है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक तो है ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा आप इस क्लास को दो दूसरी बार देख लोगे ना सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी हमें थोड़ी सी दुख देती है जब हमें वो समझ में नहीं आती है विदाउट ऑप्शन बन जाएगी ये फिर आपकी द्विघाती समीकरण बनेगा और वहां से फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा कोई फायदा है नहीं इतना लंबा जाने में हमें एग्जामिनर को सॉल्व करके नहीं दिखाना कैसे हमने किया है मैं तो आंसर से मतलब है और आंसर भी तुक्के से नहीं बता रहा हूं मैं जस्ट एक स्टेप पर आकर आंसर ऑप्शन उप्ष, चेक करा रहा हूं जहां से आगे आप जाओगे तो बहुत समय लगने वाला है तुम्हें घाते समीकरण में नाव धारा सॉरी नाव द्वारा बहाव की दिशा में तेरह किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है दोनों के समय के बराबर है यदि धारा की चाल तीन किलोमीटर प्रति घंटे है तो स्थिर जल में चौवालीस पॉइंट आठ किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा सोच समझ के बताना इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इस सवाल में अब आपको भी गड़बड़ लगने लगेगी देख लेना देखो मैं बताता हूं आपको क्या है एक बात बताओ उसने कहा नाव द्वारा बहाव की दिशा में तेरह किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत सात किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है दोनों का टाइम बराबर है आप मुझे बताओ सबसे पहले जो मैं पूछ रहा हूं ना उस बात पे फोकस करो उस बात पे फोकस करो कि नाव द्वारा बहाव की दिशा में तेरह किलोमीटर की यात्रा में समय कितना लिया गया है नाव द्वारा धारा की दिशा में धारा की दिशा में बच्चे जो स्पीड होती है वो होती है बी प्लस डब्लू और दूरी है तेरह किलोमीटर तो समय कितना हो जाएगा सर समय हो जाएगा तेरह बटे बी प्लस डब्लू समय हो जाएगा तेरे बटे बी प्लस डब्लू अगर मैं कहूं भाव के विपरीत भाव के विपरीत तो बी माइनस डब्लू होता है भाई तो सात किलोमीटर की दूरी को समय कितना लगा बी माइनस डब्लू। क्या ये दोनों समय बराबर है ऐसा उसने बोला है जितना समय धारा के साथ तेरह किलोमीटर जाने में लगा ना उतना ही समय सात किलोमीटर वापस आने में लगा है धारा के विपरीत यहां से बी और W का अनुपात आप बताओ जल्दी से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तेरह बी माइनस तेरह डब्लू बराबर सात बी प्लस सात डब्लू ये बी उधर जाएगा आएगा छह बी ये इधर जाएगा आएगा तेरह और सात बीस तो दो ती छ दो धाम बीस तो भाई यहां से बी और डब्ल्यू का रेशियो कितना आ गया दस और तीन का ये इनकी चाल का अनुपात है यानी कि नाव और धारा की चाल का रेशियो आपको मिल गया तेहरा और दस और तीन उसने धारा की चाल दी हुई है तीन किलोमीटर प्रति घंटे मतलब कि तीन यूनिट का मान अगर तीन किलोमीटर प्रति घंटे है तो भाई दस यूनिट का मान दस किलोमीटर प्रति घंटे होगा बात क्लियर है ना तीन और दस इनकी चाल आ गई उसने कहा अब इस्थिर पानी में चवालीस की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा और मैं आपको बता चुका हूं कि पानी पानी में बच्चे, इस्थिर पानी में बच्चे क्या चाल होती है वो तो दस किलोमीटर प्रति घंटे ही होगी स्थिर पानी में जो भी चाल होती है वो बी ही होती है उसने कहा चवालीस पॉइंट आठ किलोमीटर तय करने में समय तो चवालीस पॉइंट आठ और चाल कितनी है दस ये हटेगा जीरो भाई चार से कटेगा पच्चीस बार चार से कटेगा एक एक दो यानी कि एक सौ बारह बटे पच्चीस तो आप कहेंगे पच्चीस चौके सौ और बारह बटे पच्चीस चार से ही बारह बटे पच्चीस इस तीन को दो बना लो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा कितना चार सही ही बारह बटे पच्चीस घंटे लगेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है और ये सवाल थोड़े से अच्छे लेवल का सवाल है थोड़े से अच्छे लेवल का इस सवाल को देखना भाई चलो करेंगे इस सवाल को जल्दी से उसने कहा दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी है ना वो चौदह किलोमीटर है एक नाव धारा प्रवाह की दिशा में धारा प्रवाह की दिशा में ए से बी तक जाती है और फिर धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में बी से ए तक वापस आती है इस पूरी यात्रा में उसे तीन घंटे चवालीस मिनट का समय लगा है तो धारा की चाल दो है तो स्थिर जल में नाव की चाल बी का मान पूछ रहा है वही चीज है सेम चीज जो मैंने कराई है आपको वही चीज है वो कह रहा है कि भाई ए और बी के जो बीच की दूरी है ना ए और बी के जो बीच की दूरी है बच्चे वो किलोमीटर की है सवाल ने कहा कि वो धारा प्रवाह की दिशा में यानी यहां B +W गई और वापिस बी प्लस बी माइनस डब्लू आई बी प्लस डब्ल्यू जाएगी तो बी माइनस डब्ल्यू आएगी भाई अगर धारा के साथ गई तो धारा के अपोजिट आएगी नहीं ऐसा कोई बुक नहीं है दीपांशु भाई कोई ऐसी बुक नहीं है चलो ठीक है तो चलो अब मैं आपको बताऊं थोड़ा सा उसने कहा ए से बी धारा की दिशा में जाती है और फिर धारा के विपरीत दिशा में से ए वापिस आती है ओके अब आपको उसने कहा कि टोटल जो समय लगा है ना वो उसे तीन घंटे चवालीस मिनट का समय लगा है कितना तीस घंटे चवालीस मिनट का समय लगा है सबसे पहले मुझे बताओ जाने में कितना समय लगा जाने में लगा सर चौदह बटे और उसने चाल भी दी हुई है धारा की तो B प्लस दो आने में कितना समय लगा चौदह बटे B माइनस दो और टोटल समय टोटल समय उसका है तीन घंटे चवालीस मिनट यानी कि तीन प्लस चवालीस बटे साठ क्या है बच्चे तीन प्लस चवालीस बटे साठ तीन प्लस चवालीस बटे साठ टोटल समय है चार से जाएंगे ग्यारह बार चार से जाएंगे पंद्रह बार पंद्रह पैतालीस और ग्यारह छप्पन बटे पंद्रह घंटे लगे हैं टोटल मैंने घंटों में बदल लिया तो टोटल लगे हैं छप्पन बटे पंद्रह घंटे तो अब आपने क्या करना है यहां से बी की वैल्यू रखनी है भैया ऑप्शन से उठाकर ऑप्शन से उठाकर बी की वैल्यू रखनी है कैसे रखेंगे कि आपका आंसर छप्पन बटे पंद्रह आए लेकिन उसके लिए भी थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आप और कर सकते हो बच्चे चौदह को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या एक बटे बी प्लस दो प्लस एक बटे बी माइनस दो और बराबर छप्पन छप्पन बटे पंद्रह तो ये जाएगा चौदह चौके छप्पन चार बटे पंद्रह आ गया तो अब बी का मान रख लो अब आप बी का मान रख सकते हो अब आप अगर बी का मान आठ रखते हो अगर बी का मान आठ रखते हो तो एक बटे आठ और दो दस प्लस एक बटे आठ में से दो गए छह बटे पंद्रह के बराबर मिलना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 और दस सोलह बटे दस 60। साठ कितना आएगा चार चौके सोलह और पंद्रह चौके साठ भाई चार बटे पंद्रह के बराबर मिल गया ना बी का मान आठ रखने पर यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी बराबर आठ ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस तरह का सवाल जब भी आए ना आपके सामने कि चीजें घाती समीकरण में बनने लगे तो ऑप्शन की हेल्प लो भाई नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा ऑप्शन की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी करिए सवाल को करेंगे सवाल को आराम से पढ़ो सवाल को आराम से पढ़ो क्या पढ़ पा रहे हो सवाल को देखना उसने कहा शांत जल में नाव की गति जो लोग बीच में से जुड़े हैं ना उनको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही होगी जो बीच में से जुड़े हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शुरू से देखना तो ही आपको अच्छे समझ में आएगा अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है बोर हो रहा हूं छोटू कुमार अभी रुक जा भाई अभी मैंने यहां पर वो भी रखे हुए हैं जो पैरों में सेम वो बनते हैं ना घुघरू वो रखे हुए हैं और एक साड़ी पहन के अभी नाचूंगा तेरे लिए स्पेशल तब तो बोर नहीं होगा रुक जा पंद्रह बीस मिनट कुछ सवाल खत्म हो जाने दे फिर और एक तकिया लिया तब तक गोल वाला उस पे ऐसे लेट के देखना मुझे पढ़ो भाई बाकी लोग इस सवाल करो तब तक मैं छोटो से बात करता हूं नाम तो बढ़िया सा रख लेता जिसे देखकर मुझे नाचने का मन भी करता छोटू अब मुझसे कोई पूछेगा किसके लिए नाच रहा है छोटू के लिए नाच रहा हूं मैं हद हो गई मतलब है नाम ढंग कर रख पहले शांत जल में नाव की गति जो है ना वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की जो गति है वो चार किलोमीटर प्रति घंटे है उसने कहा जाने और वापिस लौटने में टोटल छह घंटे लगे हैं तो भाई नदी की लंबाई बताओ कितना है कितना है नदी की लंबाई टोटल हमें लग, नदी की लंबाई बतानी है तो आप एक बात बताओ कि शांत जल में नाव की जो गति है बी का मान कितना दिया हुआ है भाई बारह किलोमीटर धारा की गति W का मान कितना है चार किलोमीटर प्रति घंटे ये डब्लू का मान है चार किलोमीटर प्रति घंटे ये डब्लू का मान है W का मान उसने कहा वो गया और वापिस आया टोटल उसे छह घंटे लगे हैं कितना टोटल उसे छह घंटे लगे हैं मुझे नहीं पता दूरी कितनी चली है बच्चे मैंने मान लिया कि उसने जो दूरी चली है ना वो डी है दूरी कितनी चली है डी तो जब वो धारा के साथ जाएगा या धारा के विपरीत जाएगा तो एक बार तो चाल जुड़ जाएंगी बारह और चार सोलह और जब वो वापिस आएगा तो बारह में से चार गया तो आठ आएगा और बराबर टोटल समय लगा है छह घंटे भाई ये समय तो उसको धारा के साथ जाने में और यह समय धारा के विपरीत आने में दोनों समय मिलाकर किसके बराबर है छह घंटे के बराबर है डी का मान निकालना है सवाल का आंसर आ जाएगा डी को कॉमन ले लो कितना आएगा आठ और सोलह कितना होता है आठ और सोलह होता है चौबीस और बटे सोलह गुणा आठ बराबर छो तो छौके चौबीस चार दूनी आठ और सोलह दूनी बत्तीस डी का मान कितना आएगा उधर जाके बत्तीस आ जाएगा यानी कि बत्तीस किलोमीटर की दूरी है जो आपने मानी है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है है ना कितनी आई है बत्तीस किलोमीटर की दूरी है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे ये चैप्टर में आपको रेशियो मेथड भी इन्वॉल्व कर सकता था मैं इसमें लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो जाता बहुत ज्यादा वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट भी नहीं मतलब वो कंफ्यूजिंग हो जाता कहीं ना कहीं आपके लिए अगर मैं रेशियो मेथड इसमें क्योंकि तो फिर कुछ बच्चे उसको समझ पाते हैं कुछ नहीं इससे बढ़िया है कि एक ही बार अगर मैं बेसिक से करा दूंगा तो एक आपके दिमाग में छप जाएंगी और चीजें फिर सही तरीके से चलेंगी उसने कहा एक मोटर बोट की जो गति है ना एक मोटर बोट की गति का जल प्रवाह की गति से अनुपात यानी और w का रेशो दे दिया सत्रह और नौ उसने कहा नाव चार घंटे बत्तीस मिनट में धारा के अनुकूल यात्रा करके वापिस अनुकूल यात्रा करके जाती है अनुकूल जाती है तो कितने समय में लौटेगी आपने बताना है लौटेगी यानी कितने समय में वापिस आएगी तो जब वो धारा के साथ गई है तो वापिस तो धारा के विपरीत आएगी वापिस तो बच्चे वो धारा के विपरीत आएगी अगर वो धारा के साथ गई है तो आपको यहां पर दिया गया है बोट और डब्लू मान दिया गया है सत्रह अनुपात नौ ये दिया है उसने चाल का रेशियो बच्चे चाल का रेशियो दिया है उसने अब एक चीज आप मुझे बताओ एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर दूरी बराबर है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो अनुपात चाल का होगा क्या उसका विपरीत अनुपात समय का होगा एस और नो ये चीज बताई गई थी आपको कि अगर 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 दूरी समान है तो जो अनुपात चाल का होगा वही अनुपात उसका विपरीत अनुपात समय का होगा अब यहां पर देखो जो आपको रेशियो दिया है इसका विपरीत मत कर देना सत्रह नौ से नौ सत्रह मत करना बच्चे ये अनुपात तो आपको नाव और धारा का दिया हुआ है आपको जो अनुपात चाहिए वो चाहिए कि अनुकूल क्या स्पीड थी और प्रतिकूल cool क्या स्पीड थी यानी कि आपको चाहिए अप स्ट्रीम क्या स्पीड थी और डाउन स्ट्रीम क्या स्पीड थी धारा के साथ क्या क्या स्पीड धारा के अपोजिट थी और धारा के साथ क्या स्पीड थी ये आपको चाहिए यह आपको चाहिए धारा के साथ क्या स्पीड थी और धारा के अपोजिट तो भाई आप एक बार तो दोनों को घटा दोगे सत्रह में से नौ गए आठ और एक बार दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा छब्बीस रेशियो क्या बना दो चौके आठ और दो तेरह छब्बीस ये रेशियो बना है ये तो चाल का रेशियो बना भाई B- माइनस डब्लू और B+ प्लस डब्लू की चाल का रेशियो बना है आप मुझे बता दो कि एक समय का रेशियो कितना हो जाएगा समय का रेशियो क्या इसका पलट जाएगा कि अगर उसने विपरीत जाने में तेरह यूनिट समय लिया तो बच्चे साथ जाने में कितना समय लिया है चार यूनिट समय चार यूनिट समय और उसने तो आपको साफ साफ बोला हुआ है कि नाव धारा के अनुकूल इतने घंटे में जाती है चार घंटे बत्तीस मिनट में तो चार यूनिट का मान कितना है भाई चार घंटे बत्तीस मिनट कितना है चार घंटे बत्तीस मिनट है चार यूनिट का मान कितना है चार घंटे बत्तीस मिनट आप इसको ऐसे भी कह सकते हो मिनट में ही बदल लो आप इसको चार घंटे का मतलब कितना होता है दो सौ चालीस मिनट और प्लस बत्तीस कितना होगा दो सौ बहत्तर मिनट दो सौ बहत्तर मिनट तो चार यूनिट का मान दो सौ बहत्तर मिनट एक यूनिट का मान चार चौबीस तीन चार अट्ठे बत्तीस एक यूनिट का मान अड़सठ मिनट एक यूनिट का मान कितना है अड़सठ मिनट तो तेरह यूनिट का मान कितना होगा तेरह गुणा अड़सठ तेरह गुणा अड़सठ बता दीजिए तेरह एक सौ चार तेरह चिंग अठहत्तर और दस अठासी 884 मिनट लगेंगे उसे वापिस आने में वापिस आने में उसे कितने मिनट लगेंगे आठ सौ चौरासी मिनट लगेंगे अब आठ सौ चौरासी मिनट को आप घंटे में बदल लो आठ सौ चौरासी को साठ से डिवाइड कर दो भाई कितना आएगा छ आठ अड़तालीस साठ एकम साठ बचा अट्ठाईस दो सौ चौरासी छह चौके चौबीस दो सौ चालीस दो चालीस के बाद कितना बचा आगे चवालीस बटे साठ चवालीस बटे साठ या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि चौदह घंटे और चवालीस मिनट चौदह घंटे चवालीस मिनट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल सही जवाब ठीक है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं उसने कहा मोटर बोट की जो गति है ना और जो जल प्रवाह की गति है वो सत्रह नौ के अनुपात में है देखना मैंने लिखा सत्रह नौ अब उसने कहा नाव चार घंटे बत्तीस मिनट में धारा के अनुकूल जाती है यानी कि धारा के साथ बी प्लस डब्ल्यू वो चार घंटे बत्तीस मिनट में जाती है तो सबसे पहले जो मुझे रेशियो चाहिए था बचे वो B माइनस डब्ल्यू और बी प्लस डब्ल्यू का चाहिए था मैंने सत्रह में से नौ घटाया सत्रह में नौ जोड़ा रेशियो बना चार तेहरा का ये चाल का रेशियो है तो समय का कितना होगा इसका अपोजिट हो जाएगा समय का रेशियो हो गया तेहरा और चार यानी कि अगर उसको चार यूनिट समय धारा के साथ जाने में लगे है ना तो तेरह यूनिट समय उसको वापिस आने में लगे हैं तो चार यूनिट का मान कितना है भाई दो मिनट एक का मान अड़सठ तो तेरह का मान कितना होगा आठ मिनट बच्चे यानी के उसे चौरासी मिनट वापिस आने में लगे हैं और आठ मिनट को मैंने घंटे में बदला बटे साठ करके तो चौदह बार तो पूरा पूरा गया बच्चे आगे चौवालिस मिनट उसको मैंने अलग से लिख लिया तो आप कहेंगे चौदह घंटे चवालीस मिनट है ना चौदह घंटे चवालीस मिनट चैप्टर अच्छा है आपको दो बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी बच्चे इसमें सवाल ज्यादा नहीं है चार सवाल बचे हुए हैं बस हर टाइप का सवाल मैंने लिया है चार सवाल बचे हुए हैं ज्यादा सवाल नहीं है चलिए इस सवाल को देखेंगे एक बार देखेंगे एक बार उसने कहा एक नाव नदी की धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में पांच घंटे में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी वह दो घंटे में धारा के साथ जाती है बहुत अच्छे शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा यहां भी वही चीज लगानी है आपने वही सेम चीज लगानी है कि जो अनुपात हमारा चाल का होगा उसका अपोजिट रेशियो समय का हो जाएगा भैया दूरी बराबर है ना एक नाव धारा के विपरीत पांच घंटे में उतनी ही दूरी डिस्टेंस सेम है उतनी ही दूरी जितनी दूरी वो दो घंटे में धारा के साथ आती है तो दूरी हमारी समान है तो आप मुझे बताओ धारा के विपरीत क्या होता है b माइनस डब्ल्यू और धारा के साथ क्या होता है b प्लस डब्लू तो समय का रेशियो बता दो जल्दी से धारा के विपरीत कितना समय लगा है पांच घंटे और धारा के साथ कितना समय लगा है बच्चे दो घंटे तो भैया चाल का रेशियो क्या होगा चाल का रेशियो हो जाएगा दो पांच का इसका अपोजिट कर देंगे क्या करेंगे इसका अपोजिट कर देंगे चाल का रेशियो समय का अपोजिट अब सुनना मेरी बात को आपसे पूछा क्या है उसने कहा कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बतानी है तो बी और W का रेशियो उसने पूछा किसका बी और डब्लू का आपको दिया हुआ है बी माइनस डब्ल्यू बटे बी प्लस डब्लू क्या रेशियो दिया हुआ है दो बटे पांच क्या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चे आप बी प्लस डब्ल्यू सॉरी बी और W का रेशियो नहीं बना सकते हो बना सकते हैं सर बिल्कुल तो लगाओ भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा पांच बी माइनस पांच डब्ल्यू बराबर दो बी प्लस दो डब्ल्यू तो कितना आएगा दो इधर आ जाएगा तो तीन बी बराबर पांच उधर जाएगा सेवन डब्ल्यू तो बी और डब्लू का रेशियो कितना आ गया बी के सामने सात है और डब्ल्यू के सामने तीन है रेशियो कितना आ गया भाई सात तीन का ऑप्शन नंबर दो आपका बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब आप इस सवाल को आ, नहीं ऑप्शन से नहीं जा सकते थे क्योंकि फिर वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में थोड़ी दिक्कत होती ये सवाल करना जरा शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है b की वैल्यू दे दी b की वैल्यू दे दी शांत जल में जो नाव की चाल है ना वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे है मेंसुरेशन कल से कल से आपकी मेंसुरेशन शुरू होगी बच्चे आ क्षेत्रमिति कल से हम शुरू कर देंगे 12 बजे से ही क्लास होगी रोज आपकी 2 से 2.5 घंटे क्लास में लूंगा और मेंसुरेशन आपकी खत्म हो जाएगी ठीक है बारह बजे से दो ढाई बजे तक कितने बजे तक भी चलेगी मैं रोज पढ़ेंगे हम दिन दिन में में खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी आपकी मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना उसमें आपके एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि सर मैं तो बहुत बड़ा है है लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ना मान लो हमने अगर ढाई ढाई घंटे की भी रोज क्लास ली तो पांच घंटे हो गए दो दिन में पांच घंटे का मतलब है कि अगर मैं एक एक दिन में भी क्लास लेता तो पांच क्लास में मैंसुरेशन खत्म होती तो बात तो वही आ गई है ना तो कल से हम मैं बारह बजे शुरू करेंगे फॉर्मुलेज वगैरह लिखवाऊंगा क्योंकि मेंसुरेशन में सारी चीज के के ऊपर है तो के लिए तैयार होकर आना रटने पड़ेंगे फॉर्मुले तभी कर पाओगे बिना फॉर्मुले के मैनसुरेशन पॉसिबल नहीं है ठीक है तो आप देखो शांत जल में नाव की चाल बारह किलोमीटर प्रति घंटे है भाई बी का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है बारह किलोमीटर प्रति घंटे ये आपको b की वैल्यू उसने दी हुई है क्या 12 किलोमीटर प्रति घंटे और उसने बोला है कि धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का एक बटे दो है उसने बोला फिर से पढ़ो इस लाइन को दो बार पढ़ो उसने कहा जो धारा का वेग है यानी कि जो w है धारा का वेग क्या होता है बच्चे w होता है पानी है ना और वो जो W है वो धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है B- माइनस डब्लू और उसका एक बटे दो है उसका एक बटे दो है क्या यहां से B और W का रेशियो नहीं बना सकते हो आप सर बना सकते हैं बिल्कुल ये दो आ जाएगा इधर तो दो डब्लू बराबर बी माइनस डब्लू ये इधर आएगा तो तीन डब्लू बराबर बी तो भाई यहां से बी और डब्ल्यू का रेशियो क्या आ गया बी के सामने तीन है तो बी और डब्ल्यू का रेशियो आ गया तीन एक का है ना कितना आ गया बी और डब्ल्यू का रेशियो बी और डब्ल्यू का रेशियो आ गया तीन एक का तो उसने कहा धारा के वेग की चाल क्या है आपको B का मान दिया हुआ है 12 तो तीन यूनिट का मान 12 एक का मान चार तो भाई एक का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब ओके okay? तो आराम से आप यहां पर रेशियो बनाकर अपना आंसर निकाल सकते हो चलो यह सवाल करेंगे एक बार जल्दी से देखो एक तैराक की चाल शांत जल में पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे है शांत जल में यानी कि बी का मान दिया हुआ है आपको पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे अच्छा इस बात पे फोकस करना शांत जल में जो चाल होती है ना वो नाव की ही होती है उसने कहा यदि एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का तीन गुना है तो धारा की चाल क्या है सबसे पहले आप मुझे बता दो धारा के विरुद्ध धारा के विरुद्ध समय कितना है धारा के विरुद्ध कितना समय लगा है और धारा के साथ कितना समय लगा है ये आप मुझे बता दो भाई निश्चित दूरी है हमें नहीं पता कितनी है हम ये जानते हैं कि वो निश्चित दूरी अगर d है तो धारा के विरुद्ध जो भी समय लगेगा ना वो d बटे b- माइनस डब्लू यानी कि पंद्रह माइनस डब्लू लगेगा धारा के विरुद्ध तो चाल b- माइनस होती है और मैंने मान ली दूरी है d तो d बटे पंद्रह माइनस बराबर उसने बराबर तो छोड़ो साथ बताओ धारा के साथ कितना समय लगेगा डी ही है और यहां पर पंद्रह प्लस डब्लू होगा अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ो एक बार सवाल को फिर से पढ़ो उसने कहा एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय धारा के विरुद्ध तो यह रहा समय जो लिया गया है और ये साथ में लिए गए समय का तीन गुना है जो विरुद्ध समय लिया है ना ये वाला ये साथ वाले समय का बच्चे तीन गुना होगा ऐसा सवाल ने कहा तो यहां से आप W का मान आराम से निकाल दोगे W का मान बड़े आराम से आप निकाल दोगे कैसे आप कहेंगे सर D से तो D गायब हो गया ये कितना आएगा पंद्रह प्लस डब्लू इधर आएगा बराबर ये तीन कॉमन में है और पंद्रह माइनस डब्लू यहां जाएगा तो जल्दी से बता दो पंद्रह प्लस डब्लू बराबर पंद्रह तीन पैतालीस पैतालीस माइनस तीन डब्लू ये इधर आएगा तो चार डब्लू बराबर ये उधर जाएगा तो साठ तो W का मान कितना आ गया पंद्रह चौके साठ धारा की चाल पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे ना एक सेकंड में फिर से देखता हूं एक तैराक की जो चाल है शांत जल में पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटे है यदि एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के विरुद्ध लिया गया समय तो धारा के विरुद्ध समय है डी अपॉन पंद्रह माइनस डब्लू धारा के साथ लिए गए अरे 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 हाँ धारा के साथ लिए गए समय d अपॉन पंद्रह प्लस डब्लू और उसका तीन गुना है तीन गुना है तो मैं क्या करूंगा सी डी गया पंद्रह प्लस डब्ल्यू बराबर पंद्रह माइनस डब्ल्यू पंद्रह तीन पैंतालीस तीन डब्ल्यू चार अच्छा ये माइनस होगा अब जुड़वा क्यों रहे हो ये पैंतालीस इसमें से माइनस नहीं होगा क्या

अब पढ़ो पहले एक बार सवाल को उसने कहा एक व्यक्ति पंद्रह घंटे में धारा के प्रतिकूल पैतालीस किलोमीटर और धारा के अनुकूल छासठ किलोमीटर की दूरी तय करता है ओके घंटे में टोटल 45 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि B- माइनस डब्ल्यू और 66 किलोमीटर धारा के साथ और बीस घंटे में धारा के प्रतिकूल पैंसठ किलोमीटर और धारा के अनुकूल 77 किलोमीटर चल सकता है तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बता दो अब ये जो सवाल है ना ये बड़ा फेमस सवाल है बहुत फेमस सवाल है और इसके जो तरीका अगर आप बेसिक से जाने लगो ना तो ये परेशान कर देगा आपको लेकिन इसका बढ़िया सा तरीका बताऊंगा मैं आपको क्या इसमें हम कर सकते हैं सबसे पहले मुझे बताओ भाई टोटल पंद्रह घंटे लगे हैं उसे उसे टोटल फिफ्टीन आवर्स लगे हैं प्रतिकूल पैतालीस किलोमीटर जाने में यानी कि आप कह सकते हो सर पैतालीस किलोमीटर जब वो प्रतिकूल जाएगा तो माइनस W बात क्लियर है जब प्रतिकूल जाएगा अपोजिट जाएगा तो B- माइनस डब्लू और जब वो 66 किलोमीटर साथ में जाएगा तो 66 बटे बी प्लस और टोटल जो बच्चे उसे समय लगा है वो लगा है पंद्रह घंटे कितना लगा है उसे लगा है पंद्रह घंटे उसे टोटल समय लगा है दूसरी बात उसने कही कि वह बीस घंटे में प्रतिकूल तो पैंसठ किलोमीटर पैसठ तो बटे बी माइनस डब्ल्यू पैंसठ बटे बी माइनस डब्ल्यू और 77 किलोमीटर धारा के साथ बी प्लस डब्लू टोटल समय कितना लगा है भाई बीस घंटे लगा है अब आपसे पूछा है स्थिर जल में व्यक्ति की गति यानी कि बी का मान पूछा अब ये इस तरह का सवाल आपको मिलेगा ये बहुत परेशान करता है और बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस होती हैं। आपको मैं बताऊंगा इसका बहुत गजब का तरीका जो आपने करना है बच्चे देखो इसके दो तरीके हैं। आप या तो एक काम पैंसठ आप माइनस दोनों को, बराबर करो, 45 B -W और B -W को फिर पहली इक्वेशन में से दूसरी घटाओ और फिर जो बचेगा वहां से बी प्लस डब्लू का मान आएगा तो बहुत बड़ा सवाल चला जाएगा लेकिन आपने करना क्या है एक चीज देखना आपने करना क्या यहां b +W है यहां बी प्लस डब्ल्यू है यहां बी प्लस डब्ल्यू है दोनों जगह बी प्लस डब्ल्यू है ना आपने काम करना है कि एक ऐसी संख्या बी प्लस डब्ल्यू मानो ऐसी संख्या जो छठ को भी काट रही हो और सतर को भी पूरी पूरी तरह काट रही हो बी प्लस डब्लू का मान जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा तो b प्लस डब्ल्यू का मान कुछ ऐसी संख्या मानो जो छासठ को भी काट रही हो और जो सतर सेवनटी सेवन को भी काट रही हो कौन सी संख्या मान लू मैं ऐसी मैं कौन सी संख्या ऐसी मान लू आप बता सकते हो कि अगर मैंने 66 और 77 का HCF लिया HCF लिया तो आप कहेंगे सर आएगा 11 तो वो संख्या हो जाएगी 11 वो संख्या हो जाएगी 11 जो 66 को भी पूरी पूरी तरह काट रही है और 77 को भी काट रही है तो भैया बी प्लस डब्लू का मान 11 मान लो क्या कहा मैंने B प्लस डब्लू का मान 11 मान लो और सारी चीजें सेट होती चली जाएंगी आप देखना 11 अगर आपने B प्लस डब्लू को माना आपने मैंने क्या कहा B प्लस डब्लू को बच्चे 11 मान लो आप तो 11 छिके छासठ यानी कि 6 घंटे तो उसको यहां पर लगे हैं और टोटल घंटे हैं पंद्रह भाई टोटल जो घंटे हैं वो है पंद्रह और छह घंटे तो यहां पर लग गए तो यहां पर कितने घंटे लगे होंगे सर नौ घंटे तभी तो नौ और छह पंद्रह घंटे बने हैं टोटल अब नौ घंटे पर हैं, तो तो b- b- का मान मैं क्या रख दूं के नौ आ जाए? तो आप b -W को पांच रखोगे, तभी तो पांच नाम पैतालीस आएगा भाई बी माइनस को आप पांच रखोगे तभी तो पांच नाम पैतालीस नौ घंटे आएगा यहां पर है ना मुझे नौ घंटे लाना है तो आपको बी माइनस का मान क्या मिला b माइनस डब्लू का मान मिला पांच लेकिन ये आपका आंसर तब होगा जब नीचे वाली कंडीशन में भी सेटिस्फाई करेगा 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 और देखना ये करेगा। ये माइनस करेगा, w का मान यहां पर पांच रखो तो कितना जाएगा पांच से जाएगा पूरा तेरह बार है ना और बी प्लस डब्लू तो ग्यारह माना है हमने और ग्यारह सत्ते सतहत्तर देख लो तेहरे और सात बीस बन रहा है कि नहीं बन रहा है बिल्कुल बन रहा है तो बी माइनस डब्ल्यू पांच और बी प्लस डब्ल्यू ग्यारह मिल गया आपको आपको चाहिए बी का मान बच्चे बी का मान क्या होता है आप दोनों को जोड़कर बटे दो कर दो आपका आंसर आएगा सोलह बटे दो यानी आठ ऑप्शन नंबर ए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं करना क्या है आपको यहां बी प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू देखा एक ऐसी संख्या मानो जो छासठ और सतहत्तर दोनों को डिवाइड कर रही है तो आपने इनका एच माना 66 और 77 का एच है 11। तो आप बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 11 मान लो तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू अगर 11 आ गई तो भैया ग्यारह कि छाठ घंटे तो यहां पर लगे हैं टोटल जो घंटे हैं पंद्रह छह घंटे यहां पर लग गए तो नौ घंटे यहां बचे होंगे अब आप मुझे बताओ पैंतालीस के नीचे मैं क्या वैल्यू रखू जो पैतालीस को नौ बार काट दे जो पैतालीस को नौ बार काट दे बच्चे आप कहेंगे सर पांच रख दो तभी तो पांच नाम पैतालीस कटेगा तो भैया बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू पांच हो गई लेकिन इस दोनों वैल्यूज को नीचे भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा बी माइनस डब्ल्यू पांच रखा तो पैसठ को तेरह बार काटा और बी प्लस डब्ल्यू ग्यारह रखा तो ये सात बार तेरह और सात बीस बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है तो बी माइनस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू की यही वैल्यूज हो जाएंगी आपका जो आंसर है वो बन जाएगा पांच प्लस ग्यारह बटे दो यानी कि आठ अगला सवाल का आंसर आप बता दो जल्दी से क्या होगा इस सवाल का उत्तर मुझे आप ही लोगों से चाहिए अब क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे इस सवाल का सेम वही मेथड वही तरीका अप्लाई करना है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि 48 बी माइनस डब्लू प्रतिकूल तो यही होता है और 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल बी प्लस कितने घंटे में 12 घंटे में और इसके अलावा चौवन किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 70 किलोमीटर धारा के अनुकूल भाई 70 किलोमीटर धारा के अनुकूल टोटल 14 घंटे में मैंने आपसे कहा आप छप्पन बी प्लस डब्लू है ना छप्पन और 70 का एच ले लो छप्पन और 70 का एच ले लो और वही बी प्लस डब्ल्यू का मान हो जाएगा छप्पन और 70 का एच कितना होता है भाई चौदह और यही आप बी प्लस डब्लू का मान मान लो ये कितना हो जाएगा चौदह तो कितनी बार कटेगा चौदह चौके छप्पन यानी कि चार घंटे तो यहां पर हो गए टोटल है बारह घंटे तो भाई आठ घंटे यहां पर बचे होंगे अब b माइनस डब्ल्यू का मान मैं क्या रख कि वो अड़तालीस को पूरा आठ बार काट दे कि सर आपको 6 रखना पड़ेगा तो छह आठ अड़तालीस आठ बार काटेगा तो b माइनस डब्ल्यू का मान कितना मिला छे लेकिन ये दोनों आप नीचे भी चेक करो भाई बी माइनस डब्ल्यू आपने छ रखा तो छ नि चौवन बी प्लस डब्ल्यू चौदह रखा चौदह पंजे सत्तर और नौ पांच चौदह देखो पूरा आ गया तो बी प्लस डब्ल्यू और बी माइनस डब्ल्यू ये हो जाएंगे उसने कहा कि अभी भी क्या पूछा उसने पानी में आदमी की गति क्या है तो बी का मान पूछा है उसने तो कितना होगा चौदह प्लस छे बटे दो यानी कि बीस बटे दो आपका आंसर आ जाएगा दस बिल्कुल सही जवाब ठीक है अब ये हो गए सारे नावधारा के सवाल जितने भी पॉसिबल बन सकते थे कल से आपकी मैं क्लास शुरू होगी बारह बजे से ही शुरू होगी और फॉर्मुलेज लिखाउंगा मैं क्योंकि सारा का सारा मैं फॉर्मुले बेस्ड है बच्चे कोई अल्टरनेट नहीं है मैनसुरेशन पढ़ना है तो फॉर्मूले याद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको अगर आप फॉर्मूले याद कर सकते हो तो मैंसुरेशन पढ़ सकते हो नहीं तो मैंसुरेशन आप नहीं पढ़ पाओगे तो फॉर्मुलेज के साथ साथ और एक अच्छे तरीके से फॉर्मुलेज और उसके ऊपर प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा बाकी मिलते हैं कल बारह बजे और थैंक यू बाय बाय जय हिंद